ये अद्भुत रचना है सुनील, डॉक्टर सुनील जोगी की। जब भी मैं सुनता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं। एक मां का चरित्र जो उकेरा है सुनील जी ने, अद्भुत अद्भुत। और मुझे भरोसा है जितने भी जोम सिस्टम पर और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए परिवार हैं, वो इस मधुर प्रेरणादायी जीवनदायी कविता के कायल हो गए होंगे। और मैं चाहता हूं, क्योंकि आज हमारी जो भी पहचान है वो हमारी मां है, इसलिए शायद हमारी जो भाषा होती है उसको हम मदर टंग कहते हैं। हमने अपनी मां के माध्यम से अपने होठों की भाषा सीखी है, चाहे वो पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, हरियाणवी है, कन्नड़ है, तमिल है, कोई भी भाषा है, वो मां के पेट से ही आती। तो सबसे पहले मैं ऐसी जननी को नमस्कार करता हूं, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये हमारी मां की अमानत है। इसलिए कहते हैं, पिता अगर आसमान है तो मां धरती है। आसमान से कोई भी चीज गिरती है तो धरती ही उसे सहज करके रखती है। पिता अगर किसान है तो मां धरती है। धरती, धरती का मतलब है धारण करने वाली। और हमारे आगमों के अंदर एक कॉमन नाम आता है, फला राजा की रानी का नाम धारणी था। धारणी का मतलब होता है धारण करने वाली। पहले कुल परंपरा को धारण करती है एक नारी, अपने अस्तित्व को विलीन करती है एक नारी, अपने जीवन को समर्पित करती है एक नारी, अपनी पहचान को विलीन कर देती है। हमारी भारतीय परंपरा के अंदर, और वो जो विलीनता है, वो जो तदीनता है, वो जो समर्पण है, वहां से एक उत्तम नारी के साथ साथ एक मां का जन्म होता है वहां। और देखिए, जब तक एक नारी किसी संतान को जन्म नहीं दे देती तब तक वो नारी ही रहती। इसलिए कहते हैं कि संतान का और मां का जन्म हमेशा एक साथ होता है, एक साथ। इधर संतान ने जन्म लिया और उधर नारी मां बनी। मां का जन्म और संतान का जन्म हमेशा एक साथ होता है। इसलिए ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को सबसे पहले धारण करने वाली मां होती है। और आपको बतला देता हूं, शकेंद्र देवेंद्र सबसे पहले तीर्थंकर की मां को ही प्रणाम करता है। वो इसलिए नमन करता है, जो सभी का माता पिता बनने वाला है, मैत्री भाव की जो गंगा बहाने वाला है, सभी जीवों के अंदर अपनी आत्मा की झलक देखने वाला है, सभी को अहिंसा दया का संदेश देकर के मुक्ति पथ की तरफ ले जाने वाला है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को जन्म देने वाली, हे रत्न कुंक्षी तुझको मेरा प्रणाम है। जो नमोथुनम का पाठ आता है, जिसको हम सक्रिस्तव कहते हैं, उसको सक्रिस्तव भी कहते हैं, उसे नमोथुनम का पाठ भी कहते हैं। सबसे पहले वो सकेंद्र, जब पता चलता है कि कोई तीर्थंकर का जीव मां के पास चला गया है, तो अपने पूरी देवी देवताओं के साथ नमोथुनम के पाठ से उस अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता है।
फिर सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करता है, इसलिए दो का पाठ आता है। अरिहंतों को नमस्कार किया जाता है, फिर सिद्धों को नमस्कार किया जाता है, क्योंकि अरिहंत बने कोई भी सिद्ध नहीं हो सकता है। दूसरी बात, छह प्रकार की माताएं हैं। तीर्थंकर की माता को जन्म देने वाली तो मां है ही है, लेकिन एक मां और है जहां से तीर्थंकर का जन्म होता है। तीर्थंकर के शरीर को जन्म देने वाली एक संसार की मां है, लेकिन उनके अंदर छिपे हुए सर्वज्ञता को जन्म देने वाली अगर कोई है तो अनंत करुणा है, अनंत मैत्री भावना है, और मैत्री भाव के आधार पर ही तीर्थंकर मोहनीय कर्म को परास्त करता है, और मैत्री भाव के आधार पर ही वो सर्वज्ञ बनता है, अरिहंत बनता है, केवली बनता है। तो तीर्थंकरों की असली मां का नाम है करुणा। साधु साध्वियों की असली माता जो है, इस शरीर को भी किसी मां ने जन्म दिया है, लेकिन जब हम मां की गोद को छोड़कर के गुरु के चरण से लिपटते हैं, जुड़ते हैं, तो वहां पर भी हमें एक मां मिलती है। पिता के रूप में अगर हमें गुरु मिलता है, तो मां के रूप में हमको अष्ट प्रवचन माता मिलती है, पांच समिति, तीन गुप्ती, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है। हमारे शरीर का मल विसर्जन भी करुणा के साथ होता है, जिसे हम पांच समिति कहते हैं, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, आदान निष्पेक्ष समिति, भंडोकरण निक्षेप समिति, उच्चार पासन, खेल जनमल सिंघान, जो भी हम शारीरिक क्रियाओं की निवृत्ति करते हैं, वहां पर भी एक संत की ममता छिपी हुई रहती है। और तीन गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये अष्ट प्रवचन माता है, ये एक साधु साध्वी की माँ है। और इन अष्ट प्रवचन के माताओं के माध्यम से एक साधु अपनी संयम की साधना को आगे बढ़ाता है। जैसे ही माँ, साधु साध्वियों की माँ अष्ट प्रवचन माता है, ऐसे ही हमारे श्रावक और श्राविकाओं की भी माता है। ये मैं आप सभी के लिए बोलना चाहता हूं। आपको मालूम है श्रावक और श्राविकाओं की माता का नाम है जयना, यतना। यतना किसको कहते हैं, जयना किसको कहते हैं, जयना धम्मस्य जननी, जो यतना है वो धर्म की मां है। जयना यानी यतना, यानी सोच समझकर बोलना, सोच समझकर खाना, सोच समझकर पहनना, सोच समझकर कोई भी निर्णय करना, जिसको हम विवेक कहते हैं, जयना कहते हैं। हर काम संसार का करते हुए भी धर्म के भाव को साथ में रखना, ये जयना है। तो हमारे श्रावक श्राविकाओं की एक शरीर को जन्म देने वाली माता है, लेकिन हमारे श्रावक और श्राविका रूपी अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए अगर कोई मां है तो जयना है। इसी प्रकार सभी धर्मों की अगर कोई मां है तो उस मां का नाम है दया। दया सभी धर्मों की माता है, और सभी जीवों की अगर कोई मां है तो उस मां का नाम है अहिंसा, क्योंकि अहिंसा से ही हम सभी जीवों की रक्षा करते हैं, क्योंकि मां किसी का रक्षण कर सकती है, मां किसी को बचा सकती है, बचाने वाली को ही मां कहते हैं, जन्म देने वाली को ही मां कहते हैं। तो सभी जीवों की अगर कोई मां है तो वो है अहिंसा। और इसी प्रकार सभी गुणों की, सद्गुणों की अगर कोई मां है, जहां से सद्गुणों का जन्म होता है, तो मालूम है उस मां का नाम क्या है, उस मां का नाम है सरलता, सहजता। जो सरल है, इनोसेंट है, जो सरल है, जिसमें कोई कपट नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई छल, कोई फरेब नहीं, कोई धोखा नहीं, वहां से
सभी गुणों का आयात होता है, सभी गुण आते हैं और सभी के अंदर जो आत्मा है, अगर देखा जाए, अगर हम आगम के पन्ने पलटते हैं तो हम सबकी पहली माँ अगर कोई है तो वो है निगोद। जैसे ही कोई आत्मा अरिहंत बनकर के सिद्ध बनती है तब निगोद में से कोई जीव बाहर आता है और फिर वो यात्रा करता है, तो वो एक किस्म से खान है जहां से जीव आत्मा एकेंद्री में आती है, बेंद्री में आती है, त्रेंद्री में आती है, चौरेंद्री में आती है, पंचेंद्री में आती है, फिर असंगी पचेंद्री में आती है, फिर संगी पचेंद्री में आती है। कोई देव बनता है, कोई नारकी बनता है, कोई मनुष्य बनता है। तो ये एक यात्रा चलती है जीव आत्मा की, पर जहां से हम निकल करके आते हैं वो निगोद, जिसको अव्यवहार राशि बोलते हैं, फिर व्यवहार राशि में, फिर एकेंद्री में, ये यात्रा है। तो जीवन में जितनी भी माताएं हैं उन माताओं के चरणों में मैं प्रणाम करता, आप भी हृदय से नमन कीजिए, याद कीजिए। माँ को जो दिल में रखता है वो कभी पापी नहीं हो सकता, माँ को जो हमेशा सामने रखता है वो कभी पाप नहीं कर सकता। और मालूम है जिसको हम माँ की नजर से देखते हैं उसके प्रति कभी बुरे भाव आ ही नहीं सकते, ये नजर का खेल है। बहुत अच्छा, मातृ दिवस पर मैं आप सभी को दिल की गहराई से शुभकामना देता हूं, और जिन जिन माताओं ने जिन जिन संतानों को जन्म दिया है उन माताओं को मैं नमन करता हूं, और जितनी भी संतान है जिनकी माँ का साया और आशीर्वाद जिनके साथ इस समय प्रत्यक्ष रूप में है, जो माँ की ममता के आंचल के तले रहते हैं, मैं उनको दुनिया का सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूं। तो बस आपकी वजह से आपकी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, यही मातृ दिवस पर मैं आपसे मांगता हूं। और कई संतान ऐसी भी हैं जो माँ बाप से कई सालों से बोलते भी नहीं है, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया हम उनकी बोलती बंद कर देते, उनसे बोलना तक छोड़ देते, और मुझे बहुत अफसोस होता है जो माँ बाप से नहीं बोलते और वो समायिक करते, तब मुझे बहुत अफसोस होता है। जो माँ बाप से नहीं बोलते, जो प्रवचन सुनते हैं, जिनवाणी सुनते हैं, मुझको बहुत दुख होता है। मैं उनको कहता हूं कि कोई फायदा नहीं है तुम्हारी इस समायिक का, कोई फायदा नहीं है तुम्हारी इस प्रवचन सुनने का, मंदिर में आने का, धर्म ध्यान करने का कोई फायदा नहीं। माँ को रुलाना नहीं, मां की खुशी की वजह बनना है, और जिसकी मां खुश है उसका बाप भी खुश है, क्योंकि हमारे पिता की सारी जीवन हमारी मां के द्वारा ही संचालित होता है। बस समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता।